नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूजफुल प्रोडक्ट्स में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कोजीबीट प्लस जेल और क्लोज्मा केयर क्रीम के बीच में कंपैरिजन करके बताऊंगा कि इनमें से क्या क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। क्योंकि दोस्तों, बहुत से लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि भाई ये दोनों क्रीम के एक जैसी हैं या फिर अलग अलग हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहना। और दोस्तों, आपको पहले एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि दोस्तों, मैंने ना एक साल पहले लगभग मेडर्मा क्रीम यूज़ करी थी। ये जो मेरे हाथ पे आप ये जले हुए का निशान देख रहे हो यहाँ पे, तो दोस्तों मैंने एक साल पहले मेडर्मा क्रीम लगभग 5-6 महीने तक यूज़ करी थी इसको मिटाने के लिए। बट दोस्तों, उसने बिल्कुल भी वर्क नहीं किया। बेस्ट है कि यार, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अरे, 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर कर दो। सो फ्रेंड, सबसे पहले बात करते हैं इस कोजीबीट प्लस जेल के बारे में। तो दोस्तों, इसमें कोजिक एसिड डाला गया है, जो कि दोस्तों होता है नेचुरली होता है। बट दोस्तों, इसमें ऑक्टिनोजेट और ग्लाइकोलिक एसिड, ये दोस्तों केमिकल होते हैं। यानी कि ये वाली क्रीम केमिकली क्रीम प्लस आयुर्वेदिकली जो नेचुरली इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनका मिक्सचर होता है। यानी कि दोनों को मिक्स करके यूज बनाया जाता है। सो फ्रेंड्स, इसमें ऑक्टिनोजेट, ग्लाइकोलिक एसिड, कोजिक एसिड, विटामिन ई एक्सट्रैक्ट, अरब्यूटिन, मलबरी एक्सट्रैक्ट एंड एलेंटोइन जेल को यूज किया है। सो फ्रेंड्स, ये वाली क्रीम की अपन डायरेक्ट बात करते हैं कि ये क्या इसके कोई साइड इफेक्ट हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स, इसके हमारे फेस पर किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे। और दोस्तों, बात करें इसके टेक्सचर की, तो फ्रेंड्स इसका टेक्सचर ऐसा है कि जब आप इसे अपने फेस पर लगा लोगे तो बिल्कुल आपकी स्किन में 1-2 सेकंड, 3-4 सेकंड के बाद में आसानी से ऑब्जर्व हो जाएगी। और दोस्तों, इसकी खास बात यह है कि इसको लगाने के बाद आपके चेहरे पर रेडनेस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दोस्तों, आप धूप में जाओगे तो फिर आपके चेहरे पर रेडनेस की प्रॉब्लम आ जाएगी, लेकिन आप वैसे डे टू डे डेली में ही घर पर रहोगे तो आपके फेस पर बिल्कुल भी रेडनेस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब दोस्तों, बात करते हैं इसके रिजल्ट हमें कितने दिनों में देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, लगभग एक से 1.5 महीने में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, इसकी खास बात यह है कि इसमें कोजिक एसिड है वो ओनली 2.5% को यूज किया है। और जो बाकी लोग बहुत सारे कमेंट करके पूछ रहे थे कि जो कोजीमैक्स क्रीम है उससे कितनी अच्छी है, तो भाई कोजीमैक्स क्रीम में 5% यूज किया था, जो कि सेफ नहीं होता। बट दोस्तों, अगर आप उसका 4-5 दिन में या फिर 3 दिन में एक बार यूज करोगे तो वो भी काफी अच्छा रिजल्ट दिखा देती है। तो बहुत से लोग का डाउट होता है कि कोजिक एसिड होता है ये कहाँ से प्राप्त होता है, ये कैसा इंग्रेडिएंट्स है, ये नेचुरली है तो मतलब कहाँ से प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आपने मशरूम का नाम सुना ही होगा, जो कि काफी महंगा मिलता है, उसकी सब्जी काफी अच्छी लगती है और दोस्तों उसी में से इसको निकाला जाता है। सो फ्रेंड्स, ये काफी अच्छा है। और दोस्तों, बात करें इसके प्राइस की, तो फ्रेंड्स मैंने इसको दुकान से परचेस किया था मेडिकल की से, तो मुझे 290 रुपये की मिली थी। बट दोस्तों, इस पे प्राइस मेंशन की हुई है 325 रुपये। अगर दोस्तों आप इसको परचेस करना चाहते हो सस्ते में ऑनलाइन डिस्काउंट में, तो आपको दोस्तों मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर इसको डायरेक्टली इजीली परचेस कर सकते हो। और दोस्तों, बहुत से लोग पूछ रहे थे कि यार इसकी स्मेल कैसी है, क्योंकि कोजीमैक्स क्रीम की स्मेल तो बहुत बुरी थी। और सो दोस्तों, इसकी स्मेल अच्छी है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं इस क्लोज्मा केयर क्रीम के बारे में। तो दोस्तों, इसके बारे में बहुत से लोग पूछ रहे थे भाई मैंने कहाँ से खरीदी, तो यार ये मैंने खरीदी थी ऑनलाइन स्टोर amazon.com से। सो दोस्तों, मुझे लगभग मैंने दो खरीदी थी मेरे लिए, और एक का मैंने गिव अवे कर दिया है, तो एक मेरे पास मैंने अपने लिए रख ली है। तो दोस्तों, ये मुझे दोनों क्रीम 250 रुपये की पड़ी थी। अगर आप एक क्रीम खरीदोगे 125 रुपये की मिल जाएगी। अब दोस्तों, बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की। तो फ्रेंड्स, कोजीबीट प्लस जेल है उसमें दोस्तों केमिकली प्लस नेचुरली इंग्रेडिएंट्स है। बट दोस्तों, क्लोज्मा केयर क्रीम में सारे ही इंग्रेडिएंट्स नेचुरली हैं। और दोस्तों, बहुत से लोग पूछ रहे थे कि यार जो क्लोज्मा केयर क्रीम है ये हमारे फेस को डल बना देती है या फिर ऐसे। तो यार देखो, आप इस क्रीम को लगाकर धूप में जा सकते हो, है ना, तो मतलब नॉर्मली धूप में जा सकते हो। अब यार आप इसको लगाकर पूरे दिन ही धूप में पड़े रहोगे, बिल्कुल भी अपने फेस को वॉश नहीं करोगे और मतलब सही तरीके से केयर नहीं करोगे, धूप में डोल रहे हो, धूल मिट्टी में डोल रहे हो, तब तो यार नुकसान करेगी ना। और आप ऐसा सोच रहे हो कि आप इसको लगाने के बाद में धूप में डोलोगे, बाइक पे चलाओगे, इधर उधर डोलोगे और खेलोगे कूदोगे, तब तो यार आपको डल फेस दिखेगा ही ना। तो आप ऐसा केयर करके रखो उसके अपने फेस पे कि आप धूप में भी जाओ तो थोड़े से देर के लिए जाओ और फिर आप आके अपने घर पे फेस को वॉश कर लो। और दोस्तों, बहुत से लोग पूछ रहे थे कि यार ये वाली क्रीम हमारे फेस पर जलन करती है। तो फ्रेंड्स, जब आप इसको अपने फेस पर लगाओ तो ज्यादा मसाज मत करें। अगर दोस्तों आप रगड़ रगड़ के अपने फेस में बिल्कुल भी इसको लगा लोगे, रगड़ रगड़ के घुसा लोगे इसे अपने चेहरे पे, तब तो ये थोड़ा सा जलन करेगी। और दोस्तों, उस जलन से बचने के लिए मैंने आपको उपाय भी बताया था कि आप थोड़ा सा रोज वाटर लगा लीजिएगा।
तो दोस्तों इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो सारे दोस्तों मसाले टाइप के होते हैं, तो उनमें से थोड़े से मसाले टाइप की खुशबू सी आती है। और दोस्तों ये हल्की सी स्टार्टिंग में जब हम लगाते हैं तो हल्की सी चिपचिपी सी लगती है। बात करें इसके प्राइस की, तो फ्रेंड्स इस पे ₹125 प्राइस लिख रही है, बट दोस्तों अगर आप इसको डिस्काउंट में परचेस करना चाहते हो तो मैंने आपको डिस्काउंट वाली लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से जाकर आप इसको इजीली परचेस कर सकते हो। सो फ्रेंड्स ये दोनों ही क्रीम अच्छी है। अगर आप दोस्तों कोई केमिकली प्लस नेचुरली क्रीम यूज करना चाहते हो जल्दी रिजल्ट के लिए, तो आप कोजीबिट प्लस यूज कर सकते हो। और दोस्तों आप एज ए नॉर्मल, आपको किसी ज्यादा आपके फेस पर ज्यादा दाग धब्बे नहीं है, और नॉर्मल यूजर्स के लिए आप यूज करना चाहते हो कि आप 3-4 महीने तक कोई भी क्रीम रात में लगा ली और आप ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं करते, तो आप इस वाले क्रीम का यूज कर सकते हो। दोनों ही क्रीम आपको अच्छा रिजल्ट दिखा देगी। तो फ्रेंड्स आगे आपकी चॉइस है, आप किस प्रकार इनका सिलेक्शन करते हो अपने हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो आप देख लीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो जरूर सब्सक्राइब करके जाना। और धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।